17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के वडनगर नामक जगह एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले इस बालक की जीवन गाथा तमाम उतार चढ़ाव के साथ इतिहास में दर्ज होने वाली थी। लेकिन तब ये बात उसके माता पिता की कल्पना से भी परे थी। वजह बहुत छोटी थी। 6 भाई बहनों में तीसरा था, मगर जिम्मेदारी लेने में सबसे बड़ा। ये बालक था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत का भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत जैसे विशाल और विविध संस्कृतियों का समागम रखने वाले देश का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ सौभाग्य की बात नहीं, बल्कि असीम दायित्व की ओर भी इंगित करता है। वो भी एक ऐसे व्यक्ति का जिसका बचपन अभावों के बीच गुजरा हो और राजनीति में प्रवेश मात्र समाज सेवा की नियत से हुआ हो। पर होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अर्थात पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। ऐसी ही कुछ बाल नरेंद्र की भी स्थिति थी। नरेंद्र बचपन से ही कर्तव्य परायण बालक थे, जो एक तरफ वडनगर रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित अपने पिता दामोदर मूलचंद मोदी की छोटी सी चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाते, तो घर पर माँ हीराबेन को साफ सफाई और खाना बनाते वक्त सहायता भी करते। और इन सब के बीच विद्यालय में भी एक होनहार विद्यार्थी के रूप में जाने जाते थे। बचपन की एक कर्मठता व आंतरिक शक्ति ही थी जिसने उन्हें निरंतर प्रगति की राह पर चलायमान रखा और सफलता का चरम दिखाया। मगर ये उस बच्चे के व्यक्तित्व का सिर्फ एक हिस्सा था जो सबको दिख रहा था और सबका दिल जीत रहा था। इसके अलावा दूसरा हिस्सा भी था जो उस बच्चे के दिल में पनप रहा था, दिमाग में घर कर रहा था। व्यक्तित्व का ये पहलू बच्चे ने नहीं बताया, मगर फिर भी परिवार को ज्ञात हो गया उनकी मां से। वडनगर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। क्योंकि नरेंद्र के मां पिताजी संतों की सेवा शुश्रूषा करते थे और उनका ख्याल रखते थे, तो उनके बीच नरेंद्र का भी उठना बैठना होता था और बाल मन पे ऐसे पुण्यात्माओं का प्रभाव पड़ना लाजमी था। नरेंद्र पर भी पड़ा और भीतर ही भीतर कई प्रश्नों ने घर कर लिया, जिसका वो किसी से जिक्र नहीं करते, बल्कि विद्यालय परिसर में बने पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों के बीच उत्तर खोजने की कोशिश करते। सबसे तो वो मनोदशा छिपा जाते, मगर माँ की आंखों से कब छुपा है। माँ को अपने बेटे में सन्यासी प्रवृत्ति दिखी और अपने मन की शंका को दूर करने के लिए उन्होंने एक विख्यात स्वामी जी से नरेंद्र की कुंडली दिखाई। ये बालक अगर समाज कल्याण में मन रमाएगा तो चरम पर पहुंचे और समूचे राष्ट्र को प्रगति की नई दिशा दिखाएगा। वहीं अगर सन्यास ग्रहण किया तो शंकराचार्य की पदवी संभालेगा। इस बच्चे को दोनों ही मनःस्थिति है, किंतु चुनाव समय स्वयं कराएगा। स्वामी जी के इस कथन ने मां के हृदय पर कुठाराघात कर दिया था, मगर भगवान पर अटूट भरोसा होने की वजह से वो जानती थी कि हुई है वही
जो राम रचि राखा। समूचा घर भीतर ही भीतर इस डर से जूझ रहा था और नरेंद्र की गतिविधियों पर ध्यान रखे हुए था, जो निरंतर स्वामी जी के कथन को सत्यापित कर रहा था। समाज सेवा में नरेंद्र का पहला कदम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। उसकी शाखा से उनका परिचय उनके हिंदी के शिक्षक श्री चंद्रकांत दवे ने कराया। शाखा के अनुशासन और सोच से नरेंद्र इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तमाम व्यस्तताओं के बीच भी शाखा के काम को प्रधानता दी। हर कार्यक्रम में उत्साह के साथ शरीक होते और श्रमदान करते। शाखा की हर गतिविधि को उन्होंने आत्मसात कर लिया। उनका लगाव इस कदर बढ़ गया था कि दिवाली जैसा त्योहार भी वो परिवार के बजाय शाखा कार्यकर्ताओं के साथ बिताते। ऐसे में भला पारखी नजर रखने वाले प्रांत प्रचारक श्री लक्ष्मण राव इनामदार की दया दृष्टि से नरेंद्र कैसे बचते। इनामदार जी वकील साहब के रूप में अधिक विख्यात थे। उन्होंने नरेंद्र को हर तरीके से परखा और नरेंद्र भी उनका भरोसा रखते हुए उनकी उम्मीद पर खरे उतरे। यही नहीं, नरेंद्र का समर्पण भाव और लोगों को जोड़ने की निपुणता संघ के शीर्ष अधिकारियों से छुपी नहीं रही। उनकी इस लगन को देखते हुए उन्हें बाल शाखा में नए बालकों को प्रशिक्षित करने का कार्यभार सौंप दिया गया। शायद यही नेतृत्व का गुण था जिसने बचपन से ही अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री के रूप में आसमान तक को नाप लिया। मगर इस बीच संन्यास भाव की भविष्यवाणी भी अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए कुलांचे मार रही थी, जिसकी पहली उद्घोषणा नरेंद्र ने नर्मदा नदी की परिक्रमा करने के लिए आज्ञा मांगने से की। उस समय नरेंद्र सिर्फ 10 वर्ष के थे, भला मां का मन कैसे आज्ञा देता। नरेंद्र की पहली पहल असफल हो गई, मगर नरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक बार फिर हिम्मत करके रामकृष्ण मठ जाने की आज्ञा मांगी। अब वो 13 वर्ष के हो चुके थे, स्वामी विवेकानंद के वक्तव्यों और व्यक्तित्व से अभिभूत थे। इस बार उनकी जिद भारी पड़ी और उन्हें इजाजत दे दी गई। इतनी छोटी आयु में वो रामकृष्ण परमहंस के आश्रम गए और वहां के महासचिव स्वामी मधवानंद जी से सन्यास की आज्ञा मांगी। उनकी आयु देखते हुए तुरंत मना कर दिया गया। जाओ पहले अपनी शिक्षा पूरी करो। निराश किंतु कृत संकल्प नरेंद्र वापस आए और पढ़ाई करने लगे, मगर मन में तो सन्यास का भूत चढ़ा हुआ था। 15 वर्ष की आयु में एक बार फिर घर वालों को मनाकर राजकोट के रामकृष्ण मठ पहुंचे। एक बार फिर पुरजोर कोशिश की, एक बार फिर उनकी इच्छा अधूरी रह गई। कारण उनकी उम्र। इस प्रकार 2 बार उनकी इच्छा मठाधीशों द्वारा ठुकरा दी गई, मगर इसकी वजह से धार्मिकता उनके अंदर कूट कूट के भर गई। और इंसान जब धर्म की राह पकड़ लेता है तो निर्भीक निडर हो जाता है। नरेंद्र भी विलग नहीं थे। निडरता का बेहतरीन परिचय उन्होंने बाल्यकाल में ही 2 बार दिया। दरअसल वडनगर में एक तालाब है जिसके बीचों बीच एक मंदिर स्थित है। उस तालाब में मगरमच्छों का राज है। हालांकि रास्ता है मंदिर तक जाने को, मगर कभी कभी भारी वर्षा से तालाब का पानी उफान मारने लगता है और रास्ता पानी से ढक जाता है। इस मंदिर में हर 15 दिन में ध्वजा बदली जाती है। एक बार जब ध्वजा बदलने का समय था तो तालाब का पानी ऊपर तक बह रहा था। मंदिर तक तैरकर ही जाया जा सकता था, वो भी मगरमच्छों से जूझते हुए। जान को बहुत खतरा था,
मगर नरेंद्र को तो सिर्फ ध्वजा बदलना दिख रहा था। उन्होंने बिना अपनी परवाह किए तैर कर मगरमच्छों के बीच तालाब पार किया और मंदिर की ध्वजा बदली। उनकी एक कारगुजारी समूचे गांव के लिए मिसाल बन गई। घर घर में उनकी चर्चा होने लगी और नन्हा नरेंद्र वडनगर का सबसे प्रसिद्ध बालक बन गया। किंतु नरेंद्र यहीं नहीं रुके। मगरमच्छों से भरी तालाब में ही गांव वाले स्नान करते थे, मगर कोई बीच में नहीं जाता था। एक बार नरेंद्र को पता नहीं क्या सूझी कि वह तालाब के बीच चले गए। किनारे पर खड़े उनके दोस्त उन्हें लौटने के लिए पुकारते, पर वो कहां सुनने वाले थे। तैरते तैरते उनकी नजर मगरमच्छ के एक बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा नरेंद्र को इतना भाया कि पकड़कर उसे घर ले आए। मां ने जब देखा तो बहुत प्यार से समझाते हुए बोली, बच्चा किसी का भी हो नरेंद्र, आदमी जानवर पक्षी, उन्हें उनकी मां से अलग नहीं करना चाहिए। क्या तुम अपनी मां से अलग रह पाओगे? नरेंद्र ने यह बात गांठ बांध ली और फिर कभी किसी जानवर को तंग नहीं किया। यही बालक जब 17 साल का हुआ तो उसकी सन्यासी प्रवृत्ति ने दबाव डालना शुरू किया और उसने अपने परिवार के सामने केदारनाथ जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। हालांकि साथ ही में उन्होंने यह भी कहा कि जब तक आप लोग आज्ञा नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी घर में कोहराम मच गया और मां को स्वामी जी की बात याद आई। उन्हें मालूम था कि अब इस लड़के को रोकना मुनासिब नहीं, तो उन्होंने घर में सभी सदस्यों को स्वामी जी की बात बताई और नरेंद्र को केदारनाथ की यात्रा करने की आज्ञा मिल गई। आदि देव शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पावन केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा केदार के प्रति असीम श्रद्धा भाव ने ही किशोर नरेंद्र को निरंतर ज्ञान और सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस जटिल यात्रा के क्रम में किशोर नरेंद्र ने अल्मोड़ा में अपना डेरा डाला। यहाँ रामकृष्ण कुटीर था, खूबसूरत वादियों के बीच बसा सुंदर सा कुटीर। नरेंद्र के लिए ज्ञान पिपासा शांत करने का एक ऐसा केंद्र बना जहां नरेंद्र का आना जाना आज तक लगा रहता है। इसके पश्चात नरेंद्र ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के महत्वपूर्ण पड़ाव पिथौरागढ़ जिले में स्थित नारायण आश्रम को अपना अगला ठिकाना बनाया। चीन और नेपाल सीमा से लगा चौदांश घाटी पर स्थित यह आश्रम एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है जिसका प्रधानमंत्री के दिल में विशेष स्थान है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका हमेशा इस आश्रम में आना जाना इस बात की स्वयं पुष्टि कर देता है। यहाँ की नारायण गुफा आध्यात्म और साधना के लिए दिव्य वातावरण प्रदान करने के लिए बेहद प्रसिद्ध है। नरेंद्र ने तपस्या करने के लिए इसी गुफा को चुना और रस्सियों के सहारे नीचे उतरकर गुफा के अंदर प्रवेश किया। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो मर्यादा निभाते हुए अन्य तपस्वियों की भांति नरेंद्र ने भी घंटा बजाकर बाहर आने की सूचना दी और फिर बाहर निकले। इस गुफा से उनका लगाव और यहां की हुई तपस्या के प्रति उनका अटूट विश्वास था। ध्यान एवं तपस्या का प्रधानमंत्री के जीवन में विशेष स्थान है। सन 2019 में चुनाव के परिणाम के दौरान प्रधानमंत्री ने केदारनाथ स्थित एक गुफा में पूरा एक दिन ध्यान में बिताया था। तत्पश्चात केदारनाथ से करीब 3 किलोमीटर दूर गरुणचट्टी नामक जगह पर किशोर नरेंद्र ने आश्रम के महाराज श्री रामानंद जी महाराज के सानिध्य में करीब 1.5 महीना बिताया। फिर अकेले उन्होंने लगभग 6 महीने तपस्या की। नरेंद्र
हर सुबह तड़के बिना नागा गरुड़ चट्टी से नंगे पांव केदारनाथ जल चढ़ाने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस दौरान एक समय ऐसा आया था जब किशोर नरेंद्र ने स्वयं को केदारनाथ जी को अर्पित कर दिया था। उनका प्रण भीष्म प्रतिज्ञा से कम न था, किंतु तभी रामानंद जी महाराज ने उन्हें समझाते हुए कहा था, देशवासियों को आपकी जरूरत है, अतः आप देश सेवा में चले जाइए। ये कथन सुनते ही नरेंद्र ने तुरंत अमरनाथ यात्रा पूरी करने के उद्देश्य से स्वामी रामानंद जी से विदा ली और नंगे पांव केदारनाथ पहुंच गए। गंगा जल भरकर मंदिर के अंदर अभिषेक कर मंदिर की परिक्रमा की और ऋषिकेश की ओर बढ़ गए। ऋषिकेश में शीशम झाड़ी में स्थित दयानंद आश्रम में कुछ दिन के लिए विश्राम करने की दृष्टि से नरेंद्र रुक गए। लेकिन तब शायद उन्हें नहीं मालूम था कि यह छोटा सा प्रवास उनके जीवन को आधार देने वाला है। कालांतर में नरेंद्र ने यहीं से वेदोपनिषद व आध्यात्म की शिक्षा ग्रहण की और आश्रम के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती नरेंद्र के आध्यात्मिक गुरु बन गए। इस आश्रम को गुरु घर अथवा प्रेरणा केंद्र कहना अतिशयोक्ति नहीं। नरेंद्र ने स्वामी जी की तमाम बातों को आत्मसात किया, तभी तो एक तरफ परंपरा को जहां बचाकर रखा, वहीं आधुनिकता को भी पनपने के लिए समुचित माहौल दिया। इस प्रकार अल्मोड़ा से अपनी यात्रा को आरंभ कर पिथौरागढ़, नारायण आश्रम, धारचूला, गंगोत्री, गौमुख जैसे पवित्र स्थानों में समय व्यतीत करते हुए उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन की अपनी बचपन की लालसा पूरी की। केदारनाथ दर्शन के उपरांत ऋषिकेश में कुछ समय बिताकर 2 साल बाद वो वापस आए। ये नरेंद्र बदला हुआ व्यक्तित्व था, पहले से अधिक सौम्य, सरल और गंभीर। सिर्फ एक दिन बिताकर वो रामकृष्ण परमहंस के आश्रम गए। इस बार फिर संन्यास का आग्रह किया तो गुरुजी मठाधीश स्वामी आत्मा स्थानानंद जी नरेंद्र की इच्छा भांप गए। इसीलिए उन्हें समझाते हुए कहा, नरेंद्र अभी तुम दाढ़ी बढ़ा कर रखो, संन्यास का समय तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा। अपने गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानकर नरेंद्र वापस वडनगर आए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गए। कॉलेज की पढ़ाई के साथ संघ की सेवा करते रहे। कॉलेज के आखिरी वर्ष में संघ ने इन्हें शाखा के कार्यों से स्वतंत्र कर दिया, जिसके बाद नरेंद्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और एक संवेदनशील किंतु मुखर कार्यकर्ता के रूप में बहुत जल्द अपनी पहचान बना ली। तो धैर्यवान आदमी होना चाहिए। धैर्य मतलब कितनी भी विपत्ति आए लेकिन अपने आप को खो ना बैठे, अपने संतुलित रख सके और अपने मर्यादा में ही व्यवहार करे। नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे श्रीमान है। किंतु संन्यास भाव ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। तभी तो नेतृत्व की हर जिम्मेदारी निभाते हुए भी उन्होंने केदारनाथ और रामकृष्ण परमहंस के आश्रम की यात्रा कभी नहीं छोड़ी। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वो मन की शांति की खोज में इन जगहों पे आकर ध्यान विलीन हो जाते हैं। तब उनकी छवि केवल सन्यासी की होती है जो गुफा में या मंदिर में ध्यान मग्न हो अपने आराध्य की तपस्या में लीन रहता है। कदाचित यही सन्यास भाव होने के कारण प्रधानमंत्री बनने के बावजूद ऐशो आराम से दूर रहकर निर्विकार भाव से केवल अपने राज धर्म को निभाने पर ध्यान दिया। बिरले ही ऐसे लोक नायक आते हैं जिनकी कर्तव्य निष्ठा उन्हें सत्ता लोलुप नहीं बनाती और वो हर निर्णय
तटस्थ भाव से ले पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही बिरले व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं।